नौकरी पेशा लोगों को नवरात्रि पर खुशखबरी मिल सकती है। त्योहारी सीजन में उम्मीद है कि सरकार प्रोविडेंट फंड खाते में ब्याज का पैसा डाल सकती है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स को उनकी जमा राशि पर 8.1% की दर से ब्याज मिलेगा। पीएफ अकाउंट होल्डर्स खाते में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ऐसी कोई इस मामले में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि पैसा कब तक आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार त्योहार पर तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की पूरी संभावना बनती दिख रही है कि सरकार नवरात्रि पर्व के दौरान देश के करोड़ों पीएफ खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर पहले ही तय कर चुकी है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.1 ब्याज दर से पैसा दिया जाएगा। इस हिसाब से पूरी कैलकुलेशन को देखें तो किसी पीएफ अकाउंट होल्डर के खाते में ब्याज की कितनी राशि आएगी, ये उसके खाते में जमा रकम पर निर्भर करेगा। जितनी रकम जमा होगी उस पर 8.1% की दर से ब्याज सरकार ट्रांसफर करेगी। इस तरह से यदि आपके पीएफ अकाउंट में 1,00,000 रुपए जमा है तो 8.1% की दर से आपको 8,100 रुपए सालाना ब्याज के रूप में मिलेंगे। वहीं अगर आपके पीएफ खाते में जमा राशि 10,00,000 रुपए है तो फिर ब्याज के रूप में 81,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज की दर 8.5% थी, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए इसे 8.1% कर दिया गया था। गौरतलब है कि ये दर बीते 4 दशकों में सबसे कम है। ईपीएफओ पीएफ अकाउंट होल्डर के खाते में जमा राशि को कई जगहों पर निवेश करता है। इससे पहले पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज की दर 8.5% थी, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए इसे 8.1% कर दिया गया था। गौरतलब है कि ये बीते 4 दशकों में सबसे कम है। ईपीएफओ पीएफ अकाउंट होल्डर के खाते में जमा राशि को कई जगहों पर निवेश करता है। इस निवेश से होने वाली कमाई का एक हिस्सा ब्याज के रूप में खाता धारकों को देता है।